अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये मैं कर गई थी वो आगे क्लिप है, ये रेशमा की फरमाई से मैंने गुलगुले बनाए थे। और ये बना रही हूँ मैं पार्टी चोखा। इसकी पूरी डिटेल रेसिपी नहीं दी है मैंने, और ये इसकी फीलिंग मैंने तैयार की है। और ये इसका डो, और इसको मैं फिल करके रख ली हूँ। मैं इसको बॉइलिंग मेथड से तैयार कर रही हूँ लिट्टी को। पहले मैं इसको बॉयल की हूँ, अच्छे से बॉयल हो जाता है, आफ्टर देन इसको फ्राई करूँगी। ये बॉयल हो चुका है क्योंकि ऊपर आ गया है, जो नहीं फुल बॉयल रहता वो नीचे ही रहता है। इसको मैंने निकाल लिया है जैसे कि इसका पानी ड्राई हो जाए। अब मैं दूसरा डालूंगी उसमें बॉयल होने के लिए। ये अब्बू की फरमाइश पे मैंने बनाया था, इसको मैं फ्राई करने जा रही हूँ। ऑयल हो गया है गरम, ये मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी डीप फ्राई। फ्राई हो चुका है, ये मेरा लिट्टी चोखा तैयार है। ये मैंने चोखा जो है बैगन का बनाया था। इसकी मैं डिटेल रेसिपी किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। और ये मेरा बाटी लिट्टी चोखा तैयार है। भाई मैं नेक्स्ट राउंड डाली हूँ फ्राई होने के लिए। अब्बू को मेरे बहुत पसंद है लिट्टी चोखा, बहुत शौक से खाते हैं वो। ये मैंने बनाया था बूंदी, बूंदी का लड्डू बनाती बस मैंने बस ये बूंदी ही बनाया था उसको न्यूमेटर से। और ये चाशनी मैंने एक साइड में रख दी है, बॉयल हो रहा है। और ये मैं इलायची को क्रश कर लिया है, इसको इलायची को मैं चाशनी में डालूंगी। इससे फ्लेवर अच्छा आएगा इसका। इसमें मैंने हल्का सा कलर भी डाल दिया है, ऑरेंज कलर। अब ये हो गया है अप्रॉक्स, ये चाशनी मेरी रेडी हो गई है। और एक साइड मैंने उसका बेटर तैयार किया है बेसन का। और ये मैंने एक पैन में ऑयल भी रख दिया है, ये गर्म हो गया। मैं इसका फ्राई कर लूँगी पकौड़े टाइप पे। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल सा मैंने बैटर बनाया था। अब इसको फ्राई करके मैं एक साइड में रख दूंगी, ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंड कर लूंगी। ये मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये हो गया है ठंडा और ग्राइंड भी हो गया अच्छे से तरह। अब मैं इसको उसी चाशनी में ऐड कर दूंगी। और ये मेरा मोतीचूर रेडी हो गया। अब इसको मैं लड्डू भी बना सकती थी बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि बच्चों को ऐसे ही खाना पसंद था स्पून से, और बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो इसलिए ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डाला है, बस हल्का सा ऊपर से गार्निश कर दिया ड्राई फ्रूट से। ये ठंडा हो गया है, मेरा रेडी है। बच्चे ने बहुत शौक से खाया है और ये बहुत जल्दी बन गया था। तो
तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।